Today we shall do grammar practice and today we are doing present perfect tense. Today you will practice how to change affirmative sentences, into English, how to translate affirmative sentences into English. इन वाक्यों को आप हिंदी में कैसे पहचानेंगे? इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, और जो काम कंप्लीट हो गया है उसमें, जैसे कर लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये आदि शब्द सेंटेंस के हिंदी में जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं. और इसकी जो स्ट्रक्चर है इसका, इसकी जो फॉर्म है वो क्या है? सब्जेक्ट पहले यूज़ करेंगे, फिर आप हैज़ या हैव में से एक वर्ब यूज़ करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब, फिर जो मेन वर्ब है आपकी उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको एक दी है, मैंने अपना कार्य कर लिया है. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने मतलब आई, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कर लिया है, अंत में इसके आ रहा है, एंड में आ रहा है, तो आई के साथ हैव लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और डू करने के लिए डू आता है, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है डन, जिसमें आपको थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की. तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव डन माई वर्क. इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना हैज़ आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, हैव आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे. ट्रांसलेशन के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी ने ताज देख लिया है. तो इसका आंसर बनेगा, इसका जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में वो बनेगा, माय फादर हैज़ सीन द ताज. सेंटेंस टू है, मैंने उसे नहीं देखा है. इसका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, तो बनेगा आई हैव नॉट सीन हिम. मैंने उसे नहीं देखा है, इंग्लिश आई हैव नॉट सीन हिम. सी की थर्ड फॉर्म सीन. थर्ड सेंटेंस आपका है, रोगी मर चुका है. इसका ट्रांसलेशन बनेगा, द पेशेंट हैज़ डाइड. एंड द फोर्थ सेंटेंस इज, वह खेल चुकी है. वह लड़की है तो शी बनाएंगे, और शी के साथ हैज़ यूज़ करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड. सेंटेंस बन जाएगा, शी हैज़ प्लेड. डू दीज सेंटेंसेज एंड प्रैक्टिस सम मोर. थैंक यू.